"This is wonderful," he cried. "I always wanted shoes like these." His feet felt as light as air. The new shoes. When the other man came out of the bath, his shoes were missing. He soon smelled Kasim's shoes and brought them out of their dark corner. He went to Kasim's shop. "Thief," he roared, "give me my shoes." जी, जब दूसरा आदमी जो है वो बाद से बाहर आया, नहाने के बाद उस खाने से बाहर आया, तो उसके जो जूते थे वो वहाँ पर नहीं थे, और उसको अचानक से जो है वो जल्दी एक स्मेल आई कासिम के जूतों की, जो कि बहुत मशहूर थे कि जी वो बहुत पुराने जूते हैं उसकी, उसको कासिम के जूतों की स्मेल आई और उसने उसके जूते उठाए और जो डार्क कॉर्नर में पड़े हुए थे और उसकी शॉप पे चला गया, कासिम की शॉप पे, ठीक है, उसकी दुकान पे चला गया। थीफ, चोर, ही रोड और चिल्लाया, गिव मी माई शूज, मुझे मेरे जूते दो। कासिम हैड टू गिव द मैन हिज शूज। If you steal my shoes again, I shall call the police, said the owner of the shoes. Now take your shoes, the angry man shouted at Kasim. Kasim was angry and ashamed. He threw the shoes over his garden wall. An old lady was hit on the road by the heavy shoes. She died on spot. Her family shouted murder. The police looked at the shoes. They recognized them at once. Kasim was arrested and brought to the judge. The judge said to Kasim, either pay 20,000 gold pieces to the murder woman's family or you will be hanged. जी, क्या हुआ कि कासिम जो है वो उसने जो जूते जो है वो उस आदमी को दिए और उसने कासिम से कहा कि अगर तुमने दोबारा मेरे जूते चुराए तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, ठीक है, और उसने जो कासिम के जूते हैं वो गार्डन वॉल पे की तरफ फेंके। ही थ्रू द शूज ऑफ इज गार्डन वॉल, और उसमें क्या हुआ कि एक जो बुढ़िया है वो वहाँ से जा रही थी रोड पर, उसको उसके शूज ने हिट किया, मारा और वो उस जगह पर ही मर गई। उसकी जो फैमिलीज को जो खानदान वाले हैं उन्होंने कहा कि मर्डर है, ये मर्डर है, तब वो चिल्लाए। पुलिस जो है वो उन्होंने जूतों को देखा, दे रिकग्नाइज देम एट वंस, उन्होंने फ़ौरन पहचान लिया कि ये तो कासिम के ही जूते हैं। कासिम वॉज अरेस्टेड एंड ब्रॉट टू द जज। कासिम को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और उसे जज के पास ले गया, ठीक है, और जज ने कासिम को क्या कहा कि या तो तुम 20,000 गोल्ड पीसेस दोगे इनकी फैमिली को या फिर जो है वो तुम्हें हैंग कर दिया जाएगा, ठीक है।